नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में। सबसे बड़ी खबर लेकर इस वक्त की हाजिर हो चुके हैं। देखिए, नीतीश सरकार ने आज से और इस वक्त से एक बेहद बड़ा कदम उठा लिया है, जिसके बाद में बिहार में कोरोना पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार के नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होगा आप सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से क्वारंटाइन व्यवस्था किए जाने के बाद में सरकार ने क्या कुछ पत्रों का जवाब दिया और तेजस्वी यादव को किस तरीके से जबरदस्त झटकों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज तो मिल ही रही है, लेकिन 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को कब मिलेगा कोरोना का वैक्सीन, देखिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ। पप्पू यादव की सेना ने नीतीश सरकार के कई एम्बुलेंसों का पोल खोलकर रख दिया है। केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराई जाने वाली एम्बुलेंसों का पोल धीरे धीरे खोल रही है पप्पू सेना, तो बड़ी खबर निकल कर आ गई है। कोरोना वायरस खत्म होने का एक तरफ नाम नहीं ले रहा था तो दूसरी ओर जी हाँ, आपको बता दें व्हाइट फंक्स नाम से लगातार एक नई बीमारी प्रवेश कर चुकी है, जिसको देखते हुए सरकारों ने तुरंत आनन फानन में महामारी घोषित करना शुरू किया है। साथ ही साथ बिहार में बढ़ती बारिश के मौसमों को देखते हुए हाई अलर्ट जारी, कई जगहों पर भारी बारिश आने के कारण बाढ़ जैसे माहौल दिखाई देने लगे हैं आज से ही, तो बड़ी खबर निकल कर आ गई है। साथ ही साथ सरकार के नियमों और कानूनों का पालन न करने वाले लोगों को पड़ा बारबलाओं का डांस देखना बड़ा ही महंगा। बारबलाओं के डांस पर सरकार ने तुरंत पाबंदियों को लगा दिया है। इस पाबंदियों का पालन ना करने वाले लोगों की खैर नहीं, तो सरकार की बड़ी खबर। साथ ही साथ आपको बता दे कि गरीब मजदूर और तमाम उन लोगों के लिए जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए सरकार अब 2,000 रुपए खातों में डालना शुरू की, आपके भी खातों में आएगा पैसा, देखिए किस तरीके से। साथ ही साथ राशन कार्ड धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ गई है। आपके पास भी राशन कार्ड अगर है तो आप सभी लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज, बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ गई है। साथ ही साथ पारस अस्पताल बंद करो जैसे नारे लगातार बिहार में गूंज ही रहे हैं, लेकिन पारस अस्पताल की करतूतों का जी क्या कुछ खुलासा हुआ है इस वीडियो के माध्यम से, देखिए पूरी जानकारी के साथ, आप सभी को देखना बेहद ज्यादा जरूरी। साथ ही साथ आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, कहा कि सरकार ने मुझे जी आपको बता दें ऑक्सीजन समेत कई चीजों से देने से मना किया। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ट्विटर हैंडल से काफी कुछ बड़ी बातों को लिखे। साथ ही साथ देश के गृह मंत्री जी हाँ अमित शाह ने बड़ा फैसला किया, अमित शाह के इस फैसले से हिल गया पूरा देश, पूरे देश में आज से इन तमाम सुविधाओं को लैस किया गया, तो क्या कुछ बड़ी खबर है देखिए विस्तार से। साथ ही साथ आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर के अंदर इस वक्त की सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर, बिहार सरकार के पुलिस पाबंदियों को लगाने के लिए लगातार दिन और रात एक करके कार्य को कर रही है, लॉकडाउन का उल्लंघन करना आपको भी महंगा पड़ सकता है। साथ ही साथ चिकन और मटन का सेवन अगर आप भी खाते हैं यानी आप भी सेवन करते हैं तो आपको आज की यह बड़ी खबर जरूर देख लेनी चाहिए, जरूर जान लेनी चाहिए। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को ट्रोल करते हैं और मुख्यमंत्रियों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, कई बातों को उन्होंने कहा, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। उससे पहले दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारी भी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है, तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ शेयर जरूर कर दें। कोरोना महामारी से देश अभी उभरा में नहीं था कि दूसरी महामारियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। कोरोना के दूसरे प्रकोप धीरे धीरे जहां कम हो रही है, वहीं तीसरी प्रकोप के आने का संकेत भी मिलना शुरू हो गया है। और तीसरी ओर व्हाइट फंगस नाम से आपको बता रहे कि व्हाइट फंगस नाम से लगातार एक नई बीमारी प्रवेश कर चुकी है, जो शुगर पेशेंटों को अपना खास तौर पे शिकार बनाती है। शुगर पेशेंटों के लिए यह बीमारी काफी ज्यादा जिया ट्रॉलफुल हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, इस बीमारी से मृत्यु दर बढ़ सकता है। कई राज्य सरकारों ने इसे जी आपको बता दें कि आनंद फानन में व्हाइट फंगस को तुरंत अभी अभी महामारी घोषित कर दी है, और कई राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने अपील किया है कि महामारी घोषित कर इसको तुरंत एक्शन मूड में लेकर काम करने की जरूरत, क्योंकि व्हाइट फंगस भी कोरोना से कम नहीं है, या आपको अंधा या फिर आपके जान को भी ले सकता है। और व्हाइट
ब्लाइट फंगस दरअसल बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन पर ज्यादा दिनों तक रहने वाले मरीजों को भी हो रही है। तो मरीजों को अब दो स्टेप से जूझना पड़ेगा। एक तरफ जहां कोरोना का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा था, धीरे धीरे यह कम हो रहा है, सरकारों की इसमें काफी ज्यादा लगातार योगदान रहा, तो दूसरी ओर अब सरकारों के इस नए योगदान के बाद में दूसरी ओर व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस जैसे नई बीमारियां दस्तक देने के साथ ही काफी ज्यादा लोगों को पेनफुल करा रही हैं, लोगों को मौत की घाट उतार रही हैं। ये बेहद जरूरी है कि आप भी इन बीमारियों से सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर यह बीमारियां आपको होती है तो आप भी आपको डर है कि कहीं ना कहीं मौत के मुंह में जाने से बिल्कुल जा रहे हैं, तो आपको इन सभी चीजों से डरना है। सरकार और आपको डॉक्टरों की सलाह से आपको तमाम चीजों को करना चाहिए। साथ ही साथ आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। दरअसल तेजस्वी यादव की आपको बहन ने तेजस्वी यादव की बहन ने जिस तरीके से ट्विटर हैंडल पर सुशील कुमार मोदी को बातें लिखी और उसके बाद में विवाद शुरू हुआ। पहले विवाद सुशील कुमार मोदी ने शुरू की थी। सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ ट्विटर हैंडल से लिखा था, सबसे पहले आपको बता देते हैं। जैसे ही राजद की ओर से कोविड सेंटर की स्थापना की गई और तेजस्वी यादव ने यह बात लिखा कि एक वाला रोड में हमने कोविड सेंटर के 50 बेडों वाले सहयोग किया है, आप सरकार इसे अपने अधीन लेकर कार्य करें। उसके बाद में जी आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने इसको निशाने पर लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के घर में दो दो MBBS डॉक्टर है, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है और तेजस्वी यादव की बहन है, क्या इन लोगों के द्वारा भी सेवा दिया जाएगा। इस तरीके की बड़ी बात लिखी गई। लेकिन उसके बाद में जी आपको बता दें कि उनकी बेटी यानी लालू प्रसाद यादव की बेटी और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की बहन ने निशा जी ने किस तरीके से ट्वीट किया था और सुशील कुमार मोदी के ऊपर लगातार कई गंभीर सवाल खड़े किए थे और सवाल भी पूछा था। सबसे पहला सवाल उन्होंने कहा था कि आपके बेटे जी इंजीनियर है इसीलिए वो सुख रहे हैं, इस तरीके की तमाम बातों को लिखा गया और आज उनका ट्विटर हैंडल बंद करा दिया गया है। ट्विटर हैंडल के बंद कराए जाने के बाद में उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है, अगर वो इस बात से खुश हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, अगर मेरे ट्विटर हैंडल बंद कराकर वो खुश है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर केजरीवाल सरकार ने बढ़ती महामारी को देखते हुए कानून व्यवस्था और लॉकडाउन को सुचारू ढंग से जारी कर लोगों को इस महामारी से बचाने का प्रयास और लगातार मदद करके लोगों को बचाया है। इसी बीच केजरीवाल सरकार ने कई गंभीर आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाए हैं। केंद्र सरकार से उन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार के अच्छे तरीके से मदद नहीं मिल पा रही है, ना तो हमें अच्छे तरीके से ऑक्सीजन और ना ही सिलेंडर मिल रहे, जिसके साथ ही लोगों की काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। उसके बावजूद भी हम प्रयास में लगे हुए हैं, कोविड शील्ड और कोरोना की कोवैक्सीन नाम से वैक्सीनेशन भी कम हो पा रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन 3 महीने के अंदर दिल्ली सरकार ने करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बाद में काफी ज्यादा हलचल भी है। दिल्ली सरकार काफी ज्यादा पैमानों पर कोरोना की वैक्सीनेशन अपने राज्य के तमाम लोगों को दे रही है, जिससे काफी ज्यादा कोरोना को रोकने में प्रभावशाली दिल्ली सरकार हो सके। दिल्ली सरकार इस बात को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए और तीसरी लहर ना आए इसकी खास तौर पे तैयारी की जाए। दूसरी लहर तो आई और काफी ज्यादा विनाश पहुंचा, लेकिन तीसरी लहर ना आए इसकी खास तौर पे तैयारियां की जा रही हैं। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में होने वाले पंचायत स्तर के चुनाव की तैयारियां जोरों और शोरों से जारी है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव की तैयारियां कराई जा रही है। चुनाव की हो रही तैयारियों के बीच में अब बड़ा सवाल खड़ा होता है। 15 जून 2021 को निर्वाचित कार्य और माननीयों का निर्वाचन रद्द हो जाएगा, उसके बाद में ना तो उनके पास इस बात का अधिकार रह जाएगा कि वो किसी भी नए काम को करा सके या फिर कुछ। तो इन तमाम संसाधनों के खत्म होने के बाद में किस तरीके से पंचायतों की कार्य कराया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े और इस महामारी के बीच में सरकारों को किस तरीके से कार्य कराना है, अब पंचायत स्तर पर कार्य को कराने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुश्किलों का सामना करने से पहले अब यह बात को भी
निर्णय लिया जा सकता है कि बिहार में होने वाले पंचायत स्तर के चुनाव कब और किस तरीके से कराए जाएं। सरकारी इस बात का फैसला कब लेती है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी बिहार में होने वाले पंचायत स्तर के चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि M3 मॉडल की ईवीएम मशीनों के कारण काफी ज्यादा देरी हुई थी, लेकिन 15 जून के जिया निर्वाचित अधिकारियों का निर्वाचन रद्द होने के बाद में बड़ा संदेश खड़ा होता है, संकेत होता है कि अब क्या नवंबर और दिसंबर में चुनाव होंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निर्वाचित माननीयों का निर्वाचन 15 तारीख को रद्द हो जाएगा और उसके बाद में तमाम चीजें सामने निकल कर आने लगेंगी। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों आज की बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर जी हां पूरी तरीके से संपूर्ण शराब बंदी है बिहार में और कई राज्य सरकारें शराबों को बेच रही है। शराब की मिलने के साथ ही जी आपको बता दें कई राज्य सरकारों ने इसकी कीमत सस्ता कर दिया है। राजस्व की प्राप्ति के लिए और स्टॉक में पड़े शराबों को बेचने के लिए सरकारों ने इस तरीके का निर्णय लिया है। सरकारों के इस निर्णय के बाद में ठेकों पर लंबी लाइनों का तगाद देखने को मिला, जहां पर शराब खरीदने के लिए काफी ज्यादा लोग एकत्रित हो गए हैं। जी हां आपको ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहा था और ना ही किसी प्रकार का कोरोना से डर और भय। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों के बीच में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। तो अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं तो कई राज्य सरकारें आपके लिए बड़ा ही खुशखबरी देती है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शराब आपके स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है, इसका सेवन अगर आप करते हैं तो आप अन्यथा ना करें तो बेहतर। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल पप्पू यादव ने साफ तौर पर यह बात को कह दिया था कि बिहार सरकार बहुत जल्दी फंसेगी। बिहार सरकार को फंसाने का पूरा दावा पेश कर दिया था और साथ ही साथ बिहार सरकार के अब जी हां कई पोल पप्पू यादव की सेना खोल रही है। पप्पू यादव की सेना तमाम जिलों से ऐसे एम्बुलेंस के फोटो और वीडियो और तमाम चीजों को वायरल कर रही है, जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। तमाम चीजें जो लोगों के जिया सेवा और सिविल मान थी, वो तमाम चीजें आज सर और गल रही है। इसका जिम्मेवार कौन है और कौन सरकार इसकी जिम्मेवारियां लेंगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग की जांच तमाम चीजों से कराई जाए, ऐसी भी मांग उठना शुरू हो गया है। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल कोरोना की कोवैक्सीन और कोरोना की या कोविशील्ड जैसे बड़े वैक्सीनेशन का काम इन तमाम वैक्सीनों की मदद से किया जा रहा है। इन वैक्सीनों की मदद से किए जाने वाले वैक्सीन काफी ज्यादा कारगर है, लेकिन इसी बीच आपको बता देते हैं एक और बड़ी खबर। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को कोरोना की वैक्सीन कब मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, इसके भी निरीक्षण और परीक्षण लगातार जारी है। इसके बाद में किसी भी निरीक्षण आपको बता दें कि किसी भी चीज की प्रैक्टिकल होने के बाद में ही किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। अगर आपको बता दें कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को इस वैक्सीन को दिया जाएगा तो उसका डोज क्या रहेगा, कितनी बार में दिया जाएगा और यह तमाम चीजों का खास तौर पे ध्यान रखते हुए किसी भी कार्य को किया जाएगा, नहीं तो यह हानि भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें 18 साल से प्लस उम्र वाले लोगों के लिए यह वैक्सीन रामबाण से कम नहीं। हमारा यह अपील है कि कोरोना की वैक्सीन आप सभी जरूर ले लें, यह आपके लिए बेहद जरूरी है और आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। तो आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम और प्यार से बोलिए भारत माता की जय।